नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गाजा में लगभग एक साल तक हमास के साथ लड़ने के बाद अब इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के साथ नया मोर्चा खोल दिया है। हमास के बाद हिजबुल्ला का हिसाब करने की इसराइल ने ठान रखी है। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के गढ़ पर बमबारी की, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच हालिया संघर्ष ने दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इसराइल की जमीनी कार्रवाई की तैयारी और हिजबुल्ला की लगातार आक्रामकता से ये क्षेत्र पूरी तरह से युद्ध की ओर बढ़ सकता है। इस बीच भारत ने भी बड़ा फैसला ले लिया। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ी जंग के बीच भारत सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह भी दे दी है, साथ ही भारतीयों को लेबनान की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। तो आज अपने शो में लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ी जंग पर ही चर्चा करेंगे। ताजा अपडेट आपको वहां का बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है, इसराइल का क्या प्लान है? देखिए, इसराइल का प्लान, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है कि वहां से भारतीयों को फौरन निकल लेना चाहिए, तो अचानक से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, हिंदुस्तान से भाग के कहां जाएंगे हम लोग? ऐसा सिचुएशन अगर आ गया हिंदुस्तान में तो हम लोग कहां जाएंगे? जो वहां है फंसे वो तो हिंदुस्तान आ जाएंगे। अगर हिंदुस्तान में ऐसा सिचुएशन हो जाए तो मैं कोई इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं पोज कर रहा हूं, यह हकीकत है। यह हिंदुस्तान में जो विपक्षी पार्टियां हैं ठीक वही काम कर रहे हैं जो लेबनान में हुआ। सीखने की जरूरत है, बर्बाद हो जाएंगे। अभी बिल्कुल खत्म हो गया लेबनान, यह लेबनान खत्म हो गया। इसराइल की वजह से नहीं, पहले से ही खत्म हो चुका था। इसराइल तो लेबनान नामक एक खंडर को बस कब्जा करने के लिए अपने दो ब्रिगेड को जो है बॉर्डर पर लेकर के आया है। वो मार्च करेगा अंदर, अभी पूरा कब्जा होगा, जैसे गाजा को खत्म कर दिया, और बहुत सही करेगा, बहुत सही करेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा इतिहास आप सुनेंगे, ये मीडिया वाले बताएंगे नहीं, कोई आपको उस तरह की जानकारी नहीं देंगे। ये ठीक हिंदुस्तान की तरह ही है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में अकेला एक देश था जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट था। आज क्रिश्चियंस भाग रहे हैं जान बचा के, कहां? यूरोप भाग रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं, लैटिन अमेरिका भाग रहे हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, उधर भाग रहे हैं। हम लोग कहां भागेंगे? क्यों? क्योंकि ठीक वही चीज हो रहा है लेबनान में, जो हुआ वही हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान अंग्रेजों का कॉलोनी थी, तो लेबनान और सीरिया है ना, सीरिया ही जगह का नाम था, वो फ्रेंच कॉलोनी था। और जब फ्रेंच वापस गए तो उन्होंने दो स्टेट बनाया, सीरिया और लेबनान। लेबनान को क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट बनाया और सीरिया को जो है मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बनाया। कैसे? हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना। समय बीतता गया, यही वामपंथी दलाल जो हिंदुस्तान में कभी कैसे कह रहे हैं हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये जो मुस्लिम कट्टरपंथ होते हैं वो पहले वामपंथियों के साथ मिलते हैं, ये पूरी दुनिया में पैटर्न है। जब इनका जहां पॉपुलेशन होगा 10% माइनॉरिटी राइट के बारे में बात करेंगे,
20% होगा, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, हमें बड़ा सताया जा रहा है, ये किया जा रहा है, हम लोग मेजोरिटी हमारे ऊपर जो है बड़ा जोरों जुर्म कर रहा है, लिंचिंग की जा रही है। ऐसे ही बेचारे लेबनीज क्रिश्चियंस को जो है उन लोगों ने पेंट कर दिया फासिस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बड़ा वर्ड जो है इन लोगों में कि वहां मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, और 30% हो जाएगा तब ये अधिकार मांगना चालू करेंगे, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। और 40% हुआ नहीं, वो मेजॉरिटी को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, रेप करेंगे, किल करेंगे और भगा देंगे। कश्मीर जहां 40% पहुंचे ना, वो तो अलग होना है, लड़ नहीं सकते आप। तो लेबनान में भी यही हुआ, अभी मैं बताऊंगा आप हंसेंगे, सो प्रेडिक्टेबल। 71 तक 50% से ज्यादा वहां पे क्रिश्चियंस थे, आज कितने क्रिश्चियन? 30%, और उससे भी कम। सेंसस ही नहीं होता वहां, सेंसस ही नहीं होता। लास्ट 1932 में हुआ था, उसके बाद से सेंसस नहीं होता, क्यों? कली खुल जाएगी। अब वो क्रिश्चियन भाग गए वहां से, जान बचा गए तो कोई भी देश रहेगा। आपको अपने देश से ही निकाल दिया गया, और दुनिया तमाशा देख रही है और तमाशा देखती रही। लेबनान क्रिश्चियनिटी का वो जगह है जहां पॉल एंड पीटर के द्वारा क्रिश्चियनिटी लाई गई थी। कौन है ये लोग? ये जीसस क्राइस्ट के कंटेम्प्रेरी है, उनके साथ, मतलब अर्लीस्ट क्रिश्चियनिटी जहां आया उसमें लेबनान था। लेबनान को लोग 71 तक लोग कहते थे कि इट्स द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, स्विट्जरलैंड कहते थे। वो क्रिश्चियनिटी थी, लिबरलिज्म था, वहां डेमोक्रेसी था, संविधान था, सेक्युलरिज्म था, सब कुछ था। और बेरूत जहां आजकल बम धमाके हो रहे हैं उसको कहा जाता था पेरिस ऑफ द ईस्ट। इतना एडवांस लोग, बड़े बड़े लोग, दुनिया पैसा कमा करके आदमी कहां घूमने चलना है तो भाई चलो बेरूत होकर के आते हैं, लेबनान देख करके आते हैं। क्या म्यूजिक, क्या कल्चर, क्या सब कुछ था, अपने आप पे एक सिविलाइजेशन नजर लग गई इस्लामिस्टों की। अब वहां क्या स्थिति है? 60-65% 60-65% वहां पे मुसलमान हो गए। कैसे हुए, कैसे हुए? वो इस तरीके से हुए, 71 के बाद वो प्रोपेगेंडा चालू हुआ, तो ये हुआ तो वो हुआ, और बेचारे क्रिश्चियंस उनको लगता था कि लिबरलिज्म ये वो, उन्होंने कहा कि भाई दुनिया भर से आ जाओ, दरवाजे खोल दिए, घुसपैठिए घुसने लग गए। ये जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं ना कि ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, सिर्फ असम के नहीं, ये देश के एग्जिस्टेंस का सवाल है। मतलब 100 साल पहले ही नहीं, 75-70 साल पहले जो मुल्क एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट था, आज वहां क्रिश्चियंस का जीना मुश्किल हो गया। 60 साल में 2 जनरेशन में सफाचट खत्म। और यहां दलालों की जमात देखिए, बांग्लादेशियों कैसे बुला रहे हैं कि जिनके दामाद हैं, रोहिंग्याज को बुला लो तो उसको बुला लो, और कोई बोलेगा तो बोलेगा देखो ये फासिस्ट है। अभी मुसलमानों की जनसंख्या 30% नहीं हुई है, 30% नहीं हुई है, अभी क्या है 20% के आसपास। तो अभी क्या है, उस मोड में है, विक्टिम कार्ड लेकर के घूमेंगे। हिंदू तो छोटा परिवार सुखी परिवार करता रह जाएगा, ये माइग्रेशन से इधर से उधर से सारे जगहों से, ये क्यों सीए को विरोध कर रहे हैं कि मुसलमान को भी बुलाओ? बताइए, यही काम वहां भी हुआ,
कि वहां जिन लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों को मत आने दो लेबनान के अंदर, लेकिन घुस गए। ये तो लंबा इसलिए चला कि वहां 30% सिया है, 30% सुन्नी है। भाई क्यों नहीं सब लोग बोल रहे हैं ये हिजबुल्ला जो है वो सिया टेररिस्ट है, इसलिए सऊदी अरब वाले सब चुप है दो इन लोगों को। अब क्या हुआ, वहां क्रिश्चियंस की अलग पार्टी हो गई, इन लोगों का अलग ये हो गया। अब जहां मुसलमान रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी चलाएगी तो वो क्या बोलेंगे कि सरिया का कानून चलेगा। देखिए यहां पे कटमुल्लों को टीवी पे बड़े शान से बोलते कि हमको तो यहां संविधान किसका, तो सेक्युलरिस्टों ने बनाया है, गंगा जमनी तहजीब, मिल बांट के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत की दुकान, बारूद का सामान। और ये इसके अंदर घुसेंगे और उसके बाद फिर बाद में जब इनको देखिए कश्मीर में हिंदू रह सकता है, अभी भी नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, वहां सेक्युलरिज्म नहीं है, वहां तो बोलने लग जाओगे गिरगिट की तरह रंग बदलोगे। और ये कहेंगे भाई ये तो मुसलमानों की अपनी अलग शिनाख्त है और शिनाख्त को नहीं बदला जा सकता, हम बेवकूफ हैं, हिंदुओं की कोई शिनाख्त नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है। यही बेवकूफी कर गए वहां के क्रिश्चियंस, संविधान में बदलाव कर दिया। मैंने बताइए पागलों की कमी नहीं है, आ बैल मुझे मार वो भी ठीक नहीं बैठता, आ बैल मुझे ठीक से मार ताकि मैं बचू ही ना। वहां पे प्रेसिडेंट होगा क्रिश्चियन तो प्राइम मिनिस्टर होगा मुसलमान, सिया होगा और फिर सुन्नी होगा स्पीकर, इस तरह की कहानी। आप लिबरलिज्म लिबरलिज्म करते रह गए और ये लोग पीछे दरवाजे से, ये फिलिस्तीनी घुस गए तो सीरिया के लोग आ गए, दुनिया जहान के लोग आ गए और एक प्रोग्रेसिव लिबरल क्रिश्चियन कम्युनिटी को आपने वहां पे खत्म कर दिया। कई सारे लोग, कई सारी किताबें कि किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, जिन बीचेस के ऊपर यूरोप से लोग आते थे, मैंने उस तरह के ओपन बीच, उस तरह का ओपन एनवायरनमेंट इवन यूरोप में नहीं था जो लेबनान में था। आज वही सबको बुरका पहना दिया सबको। तो इज़राइल क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो इज़राइल जो कर रहा है वो करने दीजिए। लेबनान से आपने क्या सीखा, लेबनान से ये राहुल गांधी ने क्या सीखा, लेबनान से ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो बांग्लादेशियों को बसाना चाह रहे हैं, रोहिंग्याज को बसाना चाह रहे हैं, जो सीए का विरोध कर रहे हैं, जो एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं, सीखा क्यों, ये तो पारिवारिक पार्टियां हैं, इनका क्या जाएगा, यहां तो रहना पड़ेगा हम लोग के जनरेशन को, हमारी आने वाली पीढ़ियां रुकेगी, इन लोगों ने तो चोरी करके इतना कमा लिया है कि तुरंत दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, इन चोर उचक्कों का कोई भरोसा है, कब कौन भाग जाए, इतना माल इन लोगों ने लूट लिया है, अभी बस राजनीति चमकानी है, अंधे हो गए हम लोग। और यही लिबरल वैल्यूज का इस्तेमाल, अभी देखिए तो लेबनान हुआ है, अभी तो लेबनान हुआ है, अभी होगा फ्रांस में भी होगा, इटली में भी होगा, नीदरलैंड में भी होगा, लंदन में हो रहा है, ये तो दे मल्टीप्लाई लाइक इंसेक्ट्स। और ये आप ये कर लीजिए, देखिए फ्रांस में कुछ होगा प्रोटेस्ट इंडिया में शुरू हो जाएगा, वहां लंदन में कोई एक्शन ले लो तो यहां दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ये तो अभी सरकार उस तरीके की है, नहीं तो आप ये समझिए कि गाजा में जो हुआ, कांग्रेस की सरकार होती तो यहां बसेस वगैरह जल रहे होते। तो हम कोई डिफरेंट नहीं है लेबनान से, यही
हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों को समझना जरूरी है, ये देश ही नहीं रहेगा, फिर बंटवारे की ओर बढ़ेंगे, ये लेबनान का क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, इसराइल वहां पे कब्जा कर लेगा? नहीं करेगा, वहां से टेररिस्ट ग्रुप के नाम से घुसेगा, फिर बाद में वही होगा जैसे ज्यूस के लिए अलग इसराइल बन गया तो बोला जाएगा कि भाई जितने भी सीरियन क्रिश्चियंस हैं जो लेबनान से भाग के गए उनके लिए अलग जगह बना दो इसराइल के निगरानी में, वो अलग वहां पे बनेगा। तो ये आप समझिए कि भाई कि हम डे टू डे चीजें हो रही है और अगर हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो ऐसी घटना हमारे साथ भी होगी। तो उन तमाम लीडर्स जो इस तरह के धर्मशाला बनाना चाह रहे हैं इस देश को, उनको लेबनान से कुछ सबक सीखने की आवश्यकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए, धन्यवाद। तो लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में जंग जारी है। एक सप्ताह से जारी इस जंग में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। इजराइल ने अमेरिका समेत 21 देशों की तरफ से दिए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज करते हुए हिजबुल्ला से जंग जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। मतलब नेतन्याहू ने खा ली है कसम, खत्म कर देंगे हिजबुल्ला का नामो निशान। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।